महाराष्ट्र मुंबई में अगर देखा जाए 2017 चुनाव को लेके, आज चुनावी जो दौरा है वो खत्म हो चुका है और काफी कैंडिडेट चुने जा चुके हैं। मैं एक तस्वीर दिखाना चाहता हूँ कि किस तरह शिवसेना पार्टी के कार्यकर्ता यहाँ पे जमा है। ये पांजरा पुल का काफी मशहूर इलाका है, पांजरा पुल का सर्कल है, शिवाजी सर्कल है, और हमारे साथ शिवसेना पार्टी के एक ऐसे लीडर है जो पहले भी 2 बार चुनाव जीत चुके हैं और 3री बार चुनाव जीत रहे हैं। आइए उनसे चर्चा करते हैं, क्या कहेंगे। आप चुनाव जीत के आए, काफी भारी बहुमत से जीत कर आए हैं, जनता के बीच अभी जाने वाले हैं, किस मुद्दों पे काम करेंगे और जनता के लिए क्या कहेंगे आप? जो मुद्दे है, जो बाकी मुद्दे है उसके ऊपर काम करूंगा, और भारी चुनाव से जो जीता हूँ, जो बहुमत से जीता हूँ, तो ये सब ये कार्यकर्ता की और घाटला की जनता की जीत है। उन्होंने पहले से सोच के रखा था बड़ी लंबी जीत देनी है हमारे उम्मीदवार को, और उन्होंने आज छप्पर फाड़, मैं तो पहले से बोल रहा था प्रचंड छप्पर फाड़ जीत होगी, मगर क्या उस वक्त मीडिया सुनने के मूड में नहीं थी, बोल रही थी अच्छे दिन है, कमल कितना चल रहा है उनका, मगर हम लोग शुरू से तैयारी में थे, हमको मालूम था यह कुछ चलने वाला नहीं है। मैं तो बोला था दूसरा नंबर में हमारे पीछे कितना लंबा रहता है वो खाली आप देखो, 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर कोई भी लाइन में नहीं रहेगा। आज जनता ने, हमारे शिवसैनिक ने, हमारे पूरा टीम ने घाटला का दिखा दे दिया कि बोला घाटलेकर ने दिखाया, मेरा हमारा जो वार्ड है घाटले का, वो घाटलेकर ने दिखाया, बस यहाँ 4 शब्द चलेंगे, शिवसेना शिवसेना और शिवसेना। कहीं ना कहीं देखा जाए तो सबसे ज्यादा चेंबूर का इलाका है घाटला, और शिवसेना का गढ़ माना जाता है, और शिवसेना की पार्टी के तरफ से जीत चुके हैं। और देखा जाए तो इस विभाग में किस तरह डेवलपमेंट होगा, अनिल पाटनकर जी पहले भी 2 बार चुनाव जीत चुके हैं, ये 3री बार उन्होंने चुनाव जीता है, कहीं ना कहीं जनता के बीच में रह के उन्होंने काम किया है, इसलिए जनता उन्हें काफी बहुमत से जीत कर दी है। कैमरामैन आनंद के साथ राज पांडे, CNN News मुंबई।